हेलो नमस्कार सत श्रीकाल आदाब खम्मा खड़ी दोस्तों, दिस इज निखिल योर रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम मुंबई। हम लोग थे एक चैप्टर जिसका नाम था आईटीसी पे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आईटीसी के बारे में काफ़ी सारे बातें की थी। उम्मीद करता हूँ आपने वो क्लास देख ली होगी जिसमें हमने ये सारी चीज़ें कवर की थी। स्पेशली जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो ये था कॉमन क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। कॉमन क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो इनपुट या इनपुट सर्विसेज का कनेक्शन में अपॉर्चुनमेंट हम सीख चुके हैं, आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम कैपिटल गुड्स के आईटीसी को, अगर वो कॉमन चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या अपॉर्चुनमेंट करते हैं। इसको पहले मैं हटा देता हूँ, फिर हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ कान खोल के लिसन। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने आपको थियोरी में समझा दिया और आपको समझ में आ जाए। दिस कॉन्सेप्ट विल टेक योर गुड अमाउंट ऑफ टाइम। ऑल्सो वी नीड टू हैव वन एग्जाम्पल। तो हम लोग क्या करेंगे, आज टेस्ट योर नॉलेज का एक क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को लेके, ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर वे में समझ में आ सके। अच्छा, जिसने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया है, आई वुड रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट आप पहले लास्ट क्लास अटेंड कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो पिछले क्लास से ही यूज्ड होंगे इस क्लास में कॉन्टिन्यूएशन के बेसिस पे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो शायद यहाँ लिंक करने में प्रॉब्लम हो जाए। नाउ एज वी रिमेंबर, अपॉर्चुनमेंट का मतलब क्या था? अपॉर्चुनमेंट वॉज नथिंग। कई चीज़ें कैसी होती हैं, जैसे एग्जाम्पल कि मेरी कोई मशीन है, वो मशीन से मैं टैक्सेबल गुड्स भी बना रहा हूँ, कुछ मेरे पर्सनल गुड्स भी बना रहा हूँ और कुछ मेरे एग्जेम्प्ट गुड्स भी बना रहा हूँ। इन दैट केस डिपार्टमेंट साफ साफ बोलता है कि जो एग्जेम्प्ट वाला पार्ट के लिए आप गुड्स बना रहे हो, उसका हम आपको आईटीसी नहीं दे सकते। डिपार्टमेंट में साथ में ये एक चीज़ और बोलता है कि अगर आप कोई गुड्स पर्सनल काम के लिए खरीद रहे थे, जैसे ऊपर वाला केस था, पर्सनल काम के लिए खरीद रहे थे, उसका आईटीसी नहीं देंगे, वैसे ही अगर कोई कैपिटल गुड्स या कोई मशीन आप यूज़ कर रहे हैं पर्सनल गुड्स बनाने में, उसका भी हम लोग आईटीसी नहीं देंगे। अब प्रॉब्लम वहाँ नहीं है जहाँ पे हमने कोई मशीन एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल गुड्स के लिए खरीदी हो, या कोई मशीन एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट के लिए खरीदी हो, या कोई मशीन एक्सक्लूसिवली हम लोगों ने परचेस की हो पर्सनल गुड्स बनाने के लिए। वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमको डे वन से पता है कि टैक्सेबल वाला था वो ले लूँगा और बाकी जो एग्जेम्प्ट या पर्सनल वाले हैं उनको हटा दूंगा, उनका आईटीसी मैं क्लेम कर सकता ही नहीं हूँ। बट प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ पे एक ही मशीन मल्टीपल चीज़ों में यूज़ हो रही है। तो कॉमन क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट कहाँ निकल के आएगा, जहाँ पे वही मशीन, वही कैपिटल गुड्स, वही एसेट यूज़ हो रहा है थोड़ा टैक्सेबल गुड्स के लिए और थोड़ा एग्जेम्प्ट या पर्सनल यूज़ के लिए, कंबाइन में यूज़ हो रहा है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा कॉमन क्रेडिट का। और आपको किस तरह से प्रपोर्शनेटली उसको अपोर्शन करना है बिटवीन टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल, या फिर टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट एंड पर्सनल, वो हम लोग यहाँ सीखने वाले इन द केस ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स। यहाँ तक क्लियर है? आप हो लाइन पे? हेलो। ओके फाइन। तो यहाँ देखो ध्यान से, कुछ चीज़ें पुराने कॉन्सेप्ट में मिलती जुलती मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपका जितने आपके कैपिटल गुड्स हैं, अपने एग्जाम्पल में लेते हैं कोई मशीन है, तो सारी मशीनों या 10-12 जो मशीन है आपकी, उस मशीन का समझो 100 रुपये का आईटीसी है। उसमें से क्या आपने एक्सक्लूसिवली पर्सनली एग्जेम्प्ट के लिए यूज़ किया है? सपोज क्वेश्चन में लिखा है 10, 10 को हटा दो। क्या ये पर्सनल के लिए या एग्जेम्प्ट के लिए यूज़ किया, इसका आईटीसी कभी मिल सकता है जीवन में? द आंसर इज नो, नेवर। तो साफ साफ लिख दिया, नॉट क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, यानी कि वही आपका आईटीसी का लेजर वहां पे नहीं जाएगा। कुछ गुड्स है जो आपने एक्सक्लूसिवली यूज किया टैक्सेबल के लिए या फिर जीरो रेटेड के लिए, जो कि हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा, आप टैक्सेबल गुड्स के लिए काम ले रहे हो मशीन को, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ जाएगा। तो क्या करो, उसका पूरा आईटीसी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिख दिया, क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो साफ साफ हो गया। सपोज ये 20 रुपया क्वेश्चन में दिया है, अब कितना बच गया, 70।
ये 70 क्या बन जाएगा? दिस 70 इज नथिंग बट कॉमन क्रेडिट। क्यों? क्योंकि अब ये 70 वो है जो ना तो किसी सिर्फ फसल के लिए यूज हुआ हो, ना तो सिर्फ टैक्सेबल के लिए यूज हुआ हो, वो सबके लिए कंबाइन में यूज हुआ है। इस 70 को ही बांटना हमको ये पर्टिकुलर प्रोविजन सिखाता है। प्रोविजन ने क्या बोल दिया? आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ये जो कॉमन क्रेडिट भी है ना, आप एक बार के लिए तो क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल दो। सर आपने तो कहा था पूरा नहीं मिलेगा। अरे वो बाद में बताएगा ना सेक्शन। एक बार के लिए आप क्या करो, पूरा का पूरा क्रेडिट लेजर में डाल दो। देखो चीज़ मैं लिखता हूँ तुम्हारे समझने के लिए। ये तो हमेशा के लिए आ गया, ये वापस निकलेगा नहीं। दिस इज फॉर हमेशा के लिए। ये वाला क्या होगा? एक बार इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल दो। लेटर ऑन क्या करना है हम देखेंगे। यहाँ देखो, अभी जो लेटर ऑन की कहानी है ना, अगर मैं यहाँ से पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये वाले पार्ट के लिए सीधा चलेंगे अपन एक क्वेश्चन पे, एक आईसीआई का ये फ्रेश नवा नवा कॉला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद चीज दोबारा यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं। ठीक है? ये देखो, ये जैसे ही यहाँ से निकल के आएगा हमारा, हम क्या करेंगे, उस कॉमन क्रेडिट को डिवाइड बाय 60 कर देंगे। जैसे ही यहाँ से फिल्टर होके आएगा, डिवाइड बाय 60 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट सेक्शन में किया था, हम क्या करेंगे, ई बाय एफ इंटू टी आर। टी आर मतलब वही आपको कॉमन क्रेडिट समझ लो आप यहाँ। ठीक है? ओके, अब यहाँ देखो ध्यान से, सर ये बाय 60 क्यों किया गया है? ये जो टीसी है ना, ये तो कैसे अपन निकालना सीखेंगे थोड़ी देर में उस सम के अंदर। नाउ डिवाइड बाई 60 क्यों किया गया? देखो आपके ना पूरे के पूरे जीएसटी में ना ये माना गया है, ऐसा लॉ मेकर्स ने माना है कि किसी भी कैपिटल गुड्स की ना लाइफ पता है कितनी होगी? 5 ईयर्स। कैपिटल गुड्स का लाइफ 5 ईयर्स है हमारे प्रोविजन के हिसाब से। ठीक है? अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते ना, क्वेश्चन में कुछ और लिखा हो तो बोल, ऐसा नहीं। प्रोविजन ने साफ साफ कहा है कि हम 5 साल ही मान के चलते हैं। और देखो 5 12 का कितना होता है? 60। तो बस इसलिए यहाँ पे 60 से डिवाइड कर रहे हैं। आगे सब मैं समझाऊंगा डिटेल में, डोंट वरी। जैसे ही आपका ये कॉमन क्रेडिट आता है, आप ई बाय एफ इंटू कॉमन क्रेडिट कर दोगे, और उसके बाद में आप अलग कर दोगे एग्जेम्प्ट वाले को। और अलग करने में क्या मतलब क्या है, इसको आप क्या करोगे, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दोगे। ठीक है? पहले आपने पूरा का पूरा लेजर में क्रेडिट कर दिया, और फिर बाद में आप फिर से रिवर्स कर रहे हो। सब कुछ टेंशन मत लो, अब भी सब में सीखेंगे अपन, चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। बस ये ऊपर वाला पार्ट भी याद रहा तो बहुत है। मतलब आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल के लिए, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए है क्या, उनको अलग करना होगा और कॉमन को अलग करना होगा। उसके बाद की कहानी हम सब में देखते हैं। अब क्या करते हैं, मैं सीधा आपको ले चलता हूँ एक सम पे, फिर दोबारा चीज़ तो यहाँ पे आ जाएंगे। हैव अ लुक दिस ऑन दिस क्वेश्चन, कैन यू सी दिस क्वेश्चन? ओके, देखो, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है? इट मैन्युफैक्चर्स टू टैक्सेबल प्रोडक्ट्स, कौन से, अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे देखो, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड एक्स वाई जेड 3 प्रोडक्ट में डील करता है बेसिकली, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा और बीटा क्या है? टैक्सेबल है, टैक्सेबल, टैक्सेबल। और क्या बोल दिया, वन एग्जेम्प्ट जिसका नाम है गामा, तो गामा है एग्जेम्प्ट गुड्स, एग्जेम्प्ट गुड्स में डील करता है। ये हमारा ओल्ड सिस्टम है। नेक्स्ट क्या है, ऑन 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ तो होगा एक्स वाई जेड के साथ, यानी कि कुछ तो नवा होने वाला है। अगेन प्रोडक्ट्स तो वही रहने वाले हैं,
देखो क्या हुआ इसके साथ में। वाइल प्रोडक्ट बीटा गॉट एग्जेम्प्टेड। ओ बीटा क्या हो गया? एग्जेम्प्ट। ये देखो, ये बीटा देखो, पहले क्या था? टैक्सेबल। अब क्या हो गया? ये एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, एग्जेम्पशन अवेलेबल ऑन गामा गॉट विदड्रॉन ऑन द सेम डेट। तो जो गामा में एग्जेम्पशन था, पहले एग्जेम्प्ट था, ये क्या हो गया? टैक्सेबल। और अल्फा के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो जो पहले था वही मान के चलूंगा, विच मीन्स टैक्सेबल। यहाँ तक की कहानी सॉर्टेड। अच्छा, उसके बाद में वी हैव टर्नओवर ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सारी कहानी अक्टूबर के लिए चल रही है, सब अक्टूबर में खड़े हैं अपन। तो 9 लाख, 10 लाख और 6 लाख का टर्नओवर है, तो अपन लास्ट में काम लेने वाले, तब की तब देखी जाएगी। ओके, अब यहाँ पे डिटेल्स पे आते जाओ, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए, दैट्स इट। मशीनरी यू परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर बीइंग यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल द 3 प्रोडक्ट्स। तीनों बनाने के लिए यूज कर रहा है, तीनों मतलब टैक्सेबल एग्जेम्प्ट दोनों बनाने के लिए यूज कर रहा है, हाँ ना? तो यहाँ देखो हम लोग सम किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, आप हमेशा इस तरह से ही सॉल्व करेंगे कि देखो यहाँ पे हम लोग ऐसा कॉलम बना लेंगे, एक कॉलम हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का, वही आपका आईटीसी लेजर जो है वो, और एक हम बनाएंगे कॉमन क्रेडिट का, कॉमन क्रेडिट का, ठीक है। अब यहां देखो मशीन यू है, कमिंग टू मशीन यू, कैन आई से अक्टूबर मंथ की बात हो रही है और अक्टूबर मंथ का ही परचेज है, इसका मतलब इसका आईटीसी मुझे लेना बाकी है, क्लेम करना बाकी है। तो 2 लाख का तो गुड्स है, आईटीसी कितना है? 36,000। तो देखो 36,000 पूरा आईटीसी में क्लेम करूंगा इसी महीने, लेकिन कहना इसे ये यूज हो रहा है फॉर ऑल द प्रोडक्ट जिसके अंदर टैक्सेबल एग्जेम्प्ट दोनों है, द आंसर इज यस। तो ये पूरा का पूरा कॉमन क्रेडिट में भी आ जाएगा, डोंट वरी, थोड़ा पेशेंस रखना, सम के एंड होते होते आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। फिलहाल सिर्फ लॉजिकली समझते जाओ, जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ हर लाइन के साथ। एक मशीनरी वी परचेज किया, अगेन अक्टूबर में परचेज किया, बींग यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट अल्फा एंड गामा। अल्फा एंड गामा के लिए क्या नाम है मशीन? पहले वाला मशीनरी यू था, अब है मशीनरी वी। किसके लिए यूज कर रहे हैं अपन ये? अल्फा और गामा। देखो ए भी टैक्सेबल है और गामा भी टैक्सेबल है, क्या ना ऐसे ये एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए यूज हो रहा है। तो देखो आईटीसी तो मिलेगा बट कॉमन तो नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट कॉमन बिटवीन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट। याद रहे, कई बच्चे ये सोचते हैं कॉमन का मतलब ये जो एक से ज्यादा गुड्स में यूज हो रहा है, ना, कॉमन का मतलब ये जो टैक्सेबल के साथ साथ नॉन टैक्सेबल में भी यूज हो रहा है, टैक्सेबल के साथ साथ एग्जेम्प्ट में भी यूज हो रहा है, वो है कॉमन हमारे लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक मशीनरी डब्ल्यू भी लिया, मशीनरी डब्ल्यू ये किसके लिए यूज हो रही है? ये भी 1 अक्टूबर को लिया, एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेटा। देखो बेटा पहले क्या था जाने दो, अभी बेटा क्या है? एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट के लिए यूज हो रहा है, तो क्या मुझे क्रेडिट मिल सकता है? आंसर इज नो। अब जब क्रेडिट मिल ही नहीं सकता तो कॉमन क्रेडिट का सवाल ही नहीं उठता भाई, कॉमन में तब जाएगा जब क्रेडिट मिलने की औकात हो उसकी, ये तो एलिजिबल ही नहीं है। नेक्स्ट, मशीनरी वाई। अब देखो यहां से थोड़ा मजा आना शुरू होगा जीवन में। मशीनरी वाई, मशीनरी वाई परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 4 years ago। ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन, ये वाई कब परचेज किया?
4 साल पहले। ए बाबा, 4 साल पहले परचेस किया, किसके लिए परचेस किया वो चेक करो। फॉर बींग एक्सक्लूसिवली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। बेटा, बेटा बनाने के लिए उस मशीन को परचेस किया था, खाली बेटा बनाने के लिए। अब ध्यान से देखो, अब सम्यक होना नहीं, 4 साल पहले की बात कर रहे हैं। कहना है इसे बीटा एग्जाम तो अब हुआ है, पहले ये बीटा क्या था? पहले ये बीटा क्या था? टैक्सेबल। तो टैक्सेबल अगर ये बीटा पहले टैक्सेबल था और अब ये बीटा अब एग्जाम की कैटेगरी में आया है, तो अब वाली बात के लिए एक सेकेंड होल्ड करते हैं। पहले टैक्सेबल था तो कहना है इसे उस पे हमने ITC क्लेम कर रखा होगा। सिंपल है, क्योंकि जब 4 साल पहले परचेज किया होगा तब तो टैक्सेबल था। तो हमने क्या किया होगा, हमने उसका ITC क्लेम कर लिया होगा। समझ में आ रही है क्या बात? हाँ ओके, अब ध्यान से सुनो इस पुराने। अच्छा, तो ये बात तो समझ में आ गई कि इस महीने, बिकॉज ये लेजर कौन से महीने का है? ITC लेजर अक्टूबर महीने का है ये लेजर। तो इसमें तो वापस मशीनरी वाई का ITC मैं ला सकता नहीं हूँ, तभी ले लिया होगा ना बाबा, वापस क्यों लूँगा, नहीं ले सकता। आगे देखो क्वेश्चन में, अब क्या हो रहा है, अब ये बेटा एग्जेम्प्ट हो गया है, मतलब जो पहले बेदागी था अब दागी हो गया है। बगा, फ्रॉम 1 अक्टूबर सच मशीनरी विल ऑल्सो बी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट गामा। अब ध्यान से देखो, देखो पहले टैक्सेबल था, ITC लिया होगा, ECL में कुछ नहीं आया, कहानी यहाँ तक सॉर्टेड। आगे जब देख रहा हूँ कि मेरा बेटा जो टैक्सेबल था अब वो एग्जेम्प्ट बन गया है, तो अब दिक्कत हो गई। अब क्या लग रहा है, अब तो मेरा हाथ कांप रहे हैं, मुझे ITC रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन इतने में क्या मालूम पड़ गया, बाबा रुको, अब मैं इसको बीटा के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ और गामा के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ। मतलब कहना है से क्या ये पूरा का पूरा दागी है? आंसर इज नो, क्योंकि अब ये कॉमन में यूज़ हो रहा है, बिकॉज बीटा एग्जेम्प्ट हो गया और गामा टैक्सेबल है। करेक्ट है? तो कहना है से ITC तो अभी वापस नहीं मिलेगा, लेकिन ये पूरा जो ITC था कॉमन क्रेडिट में तो आ ही जाएगा। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। मुझे इस बारे में कुछ और भी बात करनी है, 4 ईयर्स के बारे में, जो मैं सम के लास्ट में बात करूंगा, मुझे याद दिला देना। ओके आगे चलते हैं। मशीनरी जेड परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर, कब किया? 2 साल पहले, 2 साल पहले, 2 साल पहले परचेज किया। अरे भाई, जब 2 साल पहले परचेज किया है तो सोच के बताओ, क्या हमने 2 साल पहले उस टाइम के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उसको क्रेडिट नहीं किया होगा ITC को? कर दिया होगा। तो कहना है से क्या मैं दोबारा ITC लूंगा यहाँ पे अक्टूबर में? आंसर इज नो। लेकिन ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, किसके लिए परचेस किया था? सारे प्रोडक्ट के लिए। सारे का मतलब क्या था, कि पहले कुछ एग्जेम्प्ट भी थे और टैक्सेबल भी थे, और आज भी क्या है, एग्जेम्प्ट टैक्सेबल दोनों हैं। तो कहना है इसे आज नया इनपुट टैक्स क्रेडिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन कॉमन में तो यूज हो रहा है। करेक्ट, कॉमन कितना है? 54,000। आगे देखो, रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अल्फा परचेज्ड ऑन 5 अक्टूबर, किसके लिए परचेज किया मैंने? अल्फा के लिए यूज किया। इधर देखो, अल्फा किस में है? टैक्सेबल में है आज की डेट में। तो यहां पे लिखता हूं मैं, रॉ मटेरियल फॉर अल्फा यानी कि ए, तो कितने का है मेरा? 27,000। तो कहना है ऐसे अभी अभी परचेस किया है, तो अभी तक तो लेना बाकी है ITC, तो यहाँ तो आना चाहिए।
क्या ये कॉमन में जाएगा? क्या ये कॉमन में जाएगा? नहीं, आंसर इज नो। आगे चलो। फिर क्या किया? फिर हमने रॉ मटेरियल परचेज किया बेटा बनाने के लिए। 10 अक्टूबर को परचेज किया, हम उससे क्या बनाएंगे? बेटा बनाएंगे। अब आप जब इसको बेटा बनाओगे, बेटा मतलब क्या? एग्जेम्प्ट। रॉ मटेरियल लिया बेटा के लिए, ये तो प्योर एग्जेम्प्ट के लिए लिया है, आईटी से तो मिलने से रहा, और कॉमन क्रेडिट की तो बात ही नहीं आती। ठीक है, मैं ये सॉफ्टवेयर में नहीं कर रहा, ऐसे लाइन सीधी नहीं है, संभाल लेना। आगे चलते हैं। रॉ मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग गामा 15 अक्टूबर इसी महीने परचेस किया, और गामा मतलब क्या था? गामा टैक्सेबल था। तो कहना है इससे रॉ मटेरियल जो गामा है उसका आईटीसी मिलेगा, मर्जे 18,000 मिलेगा, कॉमन की तो यहाँ पे बात आएगी नहीं। बराबर क्या? ओके, आगे चलते हैं जीवन में। ओ, समय समाप्ति घोषणा, मेरा मतलब है सम समाप्ति घोषणा। ठीक है, अब हम धीरे धीरे ढूंढते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? अमाउंट ऑफ आईटीसी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये देखो, ये पूरे महीने का आप चेक करो, ये जो हम क्रेडिट कर रहे हैं, कितना क्रेडिट कर रहे हैं? 36 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 18, बताओ जरा कितना बनेगा? हाँ, 29,000। सॉरी, मैंने मिस कर दिया, कितना बोला आपने? 99,000। 99। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हो रही है। अब मैं निकालता हूँ कि मेरा कॉमन क्रेडिट है कितना। देखो जरा कितना है कॉमन क्रेडिट, ₹1,62,000। 1,62,000। अब इसके साथ करना क्या, ध्यान से देखो। आप इस कॉमन क्रेडिट को, 162,000 को हमेशा हमेशा करोगे डिवाइड बाय 60, बिकॉज 60 महीने होते हैं 5 साल में।2,700। 2,700, बस ये 2,700 निकालने के लिए हम लोग कॉमन क्रेडिट को अलग किए जा रहे थे। अब इसका पता है मतलब क्या निकलता है? कि ये 2,700 का जितना ना, अब हर बार रिवर्सल करोगे। देखो कैसे बताता हूँ। अब ये 2,700 हमारा प्योर कॉमन क्रेडिट है अक्टूबर महीने के लिए। तो सर ये 162 क्या है? ये 162 कॉमन क्रेडिट है पूरे पीरियड के लिए, लेकिन हम कहाँ पे खड़े हैं? अक्टूबर में। तो हमने डिवाइड बाय 60 कर दिया, तो पर मंथ कितना आ गया? 2,700। यानी कि इतना कॉमन क्रेडिट है अक्टूबर महीने के लिए। अब हम क्या करेंगे? सेम जो हमने सीखा था, ई बाय एफ। अच्छा, अब अगर ई बाय एफ की बात करूं, ई बाय एफ इंटू ये वाला फिगर विच इज 2,700, तो एक फिगर निकल के आएगा। अच्छा, अब हैव अ लुक ऑन योर क्वेश्चन, बताओ किधर गया, किधर गया, किधर 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 किधर, ये रहा। इसमें अल्फा क्या है? प्रेजेंटली टैक्सेबल। बीटा क्या है? एग्जेम्प्ट। और गामा क्या है? टैक्सेबल। तो कह रहे हैं इसे ई कितना बन जाएगा यहाँ पे? ई वुड बी 10 लाख, और एफ इज टोटल टर्न ओवर विच विल बी 9 प्लस 6 15, है ना? टैक्सेबल तो, सॉरी 15 कैसे होगा, आई एम सो सॉरी, एफ में तो पूरा आ जाएगा, विच वुड बी 9 प्लस 6 15 प्लस 10 25, 25। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है? इधर आ जाएगा 10 लाख डिवाइड बाय 25 लाख इंटू 2,700।
बताओ कितना? 1080 1080। सो ये 1080 का मतलब क्या पता है क्या? इसका मतलब है, अपनी समझने के लिए, क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज। तो टोटल आपकी सप्लाई होगी ना पूरे अक्टूबर महीने की, उसमें से 2700 में से 1080 रुपये क्या है, ये डिपार्टमेंट ने ऐसा समझा है प्रोपोर्शनली डिवाइड करके कि ये वाला एग्जेम्प्ट वाला, इसको हटा दो। हटा दो का मतलब क्या होता है, इसको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दो। क्या कर दो? आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दो। समझा यहाँ तक? कोई दिक्कत क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट पे कोई अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत? तो ये बात ध्यान रहे, एग्जाम में जब इस तरह कोई सम आया कैपिटल गुड्स पे, हमेशा ऐसे ही करना है। अगर आप अपने मॉड्यूल चेक करोगे ना, तो उन्होंने थोड़ा लंबा कर दिया इसको, अपन ने एक लाइन में सिंपल कर दिया। दो कॉलम बनाओ, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कॉमन क्रेडिट। ईसीएल में वही चीज़ें आएंगी जो इस महीने की परचेजेस हैं मोस्टली, या फिर कुछ ऐसा है जो पहले एग्जेम्प्ट था और अब टैक्सेबल हुआ है, यानी कि पहले अगर क्लेम नहीं किया तब क्लेम करना पड़ेगा, तो आएगा या वरना यहाँ पे नहीं आएगा। कॉमन क्रेडिट में जो यूज़ हो रहा है एग्जेम्प्ट टैक्स को दोनों मिला के, वो कॉमन क्रेडिट में आ जाएगा, और उसी के साथ में हम करेंगे टोटल क्रेडिट लेजर का भी और कॉमन क्रेडिट का भी। अब ये जो कॉमन क्रेडिट आएगा, ये पूरे ड्यूरेशन के लिए है, बिकॉज गुड्स का लाइफ कितना है कैपिटल गुड्स का? 5 साल का। हमने निकाला 1 महीने का, बिकॉज हम काम कर रहे हैं मंथली बेसिस पे, अक्टूबर महीने के बेसिस के लिए। अक्टूबर का जो आ गया 2700, अब उस 2700 को टोटल क्रेडिट है जो कॉमन के लिए इस्तेमाल हो रहा है अक्टूबर महीने में, उसको आप बांट दो अपने टर्नओवर के हिसाब से। ईएमआईएफ के अंदर जो अमाउंट निकल के आप एग्जेम्प्ट का, उसको अलग कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा क्या था, और आता बगा ये अपन निकाल चुके। अच्छा, ये जो क्वेश्चन में ना बार बार आपको यहाँ वहाँ मिलेगा बुक्स में, टी सी टी आर टी एम, अगर आपको समझा होगा, कोई रेलेवेंस नहीं है इसका। टी सी टी एम टी आर सब समझोगे तो और कन्फ्यूज़ हो जाओगे। आपको सिर्फ मतलब पता होना चाहिए, ये टी सी बी सी का कोई कोई सेंस नहीं बनता। नेक्स्ट क्या है? कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, मतलब कितना? ये वाला 1080। नेक्स्ट, जी एस टी लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी पेएबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2 अक्टूबर। ये बोलता है पता लाइबिलिटी कितना है, वो क्या बोल रहा है? द कंपनी सेल्स ऑल इज प्रोडक्ट इन द स्टेट्स अदर देन उत्तर प्रदेश, यानी कि सब आई जी एस टी है, 18% का रेट है। एज्यूम ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड, आप इंटरेस्ट को इग्नोर कीजिए और बताइए कि क्या होगा टैक्स लाइबिलिटी। ये लास्ट चीज़ हमारा बाकी है, ये भी करके देख लेते हैं। अब सर ये कैसे करेंगे? आता बगा। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, सब कुछ आई जी एस टी है क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, सब कुछ आई जी एस टी है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? पहले आउटपुट टैक्स निकालेंगे, या टैक्स ऑन आउटवर्ड निकालेंगे? आउटपुट टैक्स। मेरे पास तीन प्रोडक्ट हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा का टर्नओवर कितना था? 9 लाख। 9 लाख पे 18% केटलू 1.62 लाख। अच्छा, बीटा तो एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं आएगा बीटा पे तो। और गामा का टर्नओवर कितना है? 6 लाख। 6 लाख पे 18% केटला 1.08 लाख। टोटल कीजिए और बताइए। 2 लाख 2.7 लाख। अच्छा, इसके बाद में अपने जो ऊपर निकाला था, ये जो 1080 आया ना, इसको आपको क्या करना है हमेशा? ये एग्जेम्प्ट वाला पार्ट था। देखो, हमने तो एक बार सब कुछ आईटीसी में क्रेडिट कर दिया था, अब क्या करूँ हटाने के लिए? इसको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर देंगे, एड टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एड कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज, जो कि ऊपर आया था मेरा 1080।
ये मुझे भरना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा, 271,080। 080 ओके। इसके बाद में आएगा लेस ITC अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो ये पूरा मेरे पास ITC जो अवेलेबल है वो कितना है, 99,000। ओपनिंग बैलेंस लिखा होता है उसको भी ले लेते हैं, बट लिखा नहीं है, 99,000 लेस कर देंगे। बताओ क्या आएगा, 172,080। क्या हो गया ये, दिस इज IGST पेबल, समझियो कि नहीं। तो ये है कि अगर कोई इस तरह का गुड्स हो तो हम लोग इस तरह से काम करते हैं। लेट मी चेक, अगर कोई और सम भी मिलता है तुम्हारे लिए तो तुमको थोड़ा तुम्हारा भला हो जाएगा। ये तो दोनों के लिए मिक्स आ गया, ऐसा बोला नहीं, अपन तो फिलहाल कैपिटल गुड्स चाहते हैं। नहीं ऐसा चाहिए वैसा नहीं मिला, ठीक है, कोई और सब मुझे मिलेगा तो दोबारा एक बार अपन कर लेंगे। बट अगर हो सके तो आप इस लेक्चर को वापस एक बार देखिए, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अच्छा सम में तो इतना ही है, देखो इंस्टीट्यूट के सम के लिए या एग्ज़ाम के किसी भी सम के लिए इतना समझना काफ़ी है। अब मैं जो आगे कहने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा एडिशनल है अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर वो ना भी समझो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझना चाहो तो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा, नथिंग टू डू विथ एग्ज़ाम सम। तो क्या मैं रिस्क लूँ आगे बढ़ के कुछ बताने का, ओके आइका, ये जो यहाँ पे लिखा है ना मैंने मशीनरी वाई 4 ईयर्स, देखो ये आपने 162/60 तो कर लिया, लेकिन मशीन कब लिया था, 4 साल पहले। तो 4 साल पहले आपने उसके मज़े ले लिए, कितने साल की लाइफ बची है उसकी, सिर्फ 1 साल की लाइफ बची है। तो ये जो अमाउंट है ना, 72,000 का जो अमाउंट है जो कॉमन क्रेडिट में लिखा है, ये हमेशा इतना ही अमाउंट लिखेंगे अपन, हर महीने अपन इसको लेस नहीं करेंगे। देखो ITC में कैसा होता है, जितना इस मंथ का परचेज है उसको लिखते हैं खाली नॉर्मली, अनलेस कुछ लेना बाकी था वो ले रहे हैं तो ठीक है, वरना अपन सिर्फ लिखते हैं जो इस मंथ परचेज किया उसको। तो वो जो ECL में आता है वो तो एवरी मंथ फिगर्स चेंज होते जाएंगे, लेकिन जो कॉमन क्रेडिट में अपन लिख रहे हैं ना वो हर मंथ सेम लिखेंगे, हर मंथ सेम लिखेंगे। नेक्स्ट मंथ कुछ और भी आया तो उसमें ऐड कर देंगे, मगर कुछ हटाएंगे नहीं कॉमन क्रेडिट में से, क्योंकि वो कॉमन है। यानी कहना ऐसे, जो भी कॉमन क्रेडिट में है और जो आगे और आता जाएगा वो सब पे हम लोग क्या करेंगे, हर साल हर महीने डिवाइड बाय 60, यहां तक समझा। लेकिन वो कब तक करेंगे, वो एसेट की लाइफ तक करेंगे। जैसे मशीनरी वाई की बात करता हूँ, 4 साल बीत चुके, तो वो जो 72 के अपन लिख रहे हैं ना, ये लिखेंगे कॉमन क्रेडिट में सिर्फ 1 साल के लिए, 1 साल तक, उसके बाद लिखना बंद कर देंगे, बिकॉज अब क्यों रिवर्स करना है, अब तो खत्म हो गई ना कहानी उसकी। भाई 5 साल की मेन लाइफ थी, उसके बाद चल रहा है वो बोनस चल रहा है, बोनस वाले पीरियड से कोई मतलब नहीं है लॉ मेकर्स को। ये कहते हैं 5 साल के अंदर कुछ लफड़ा हो रहा है ना तो हमको रिवर्स रिवर्स का करने का बहुत मन कर रहा है अंदर से। अच्छा इसका सेकंड मीनिंग क्या निकलता है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई मशीन मैंने 6 साल पहले लिया था तब टैक्सेबल था, आज एग्जेम्प्ट हो गया है, तो क्या मुझे आज उस ITC को जो 6 साल पहले लिया था क्या उसको आज रिवर्स करना पड़ेगा या क्या उसको लेना पड़ेगा कॉमन के अंदर, आंसर इज नो। समझा कि रिपीट करूं, ध्यान से सुनो, डिपार्टमेंट ने क्या माना है कि मशीन की लाइफ कितनी है, हमेशा 5 साल। देखो अपने इस एग्जांपल में हमने मशीन 4 साल यूज कर ली है और अब उसको कॉमन के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि ITC पहले ले चुके हैं, दोबारा नहीं लिया ITC और कॉमन में डाल दिया, लेकिन कॉमन में कब तक रहेगा ये, 1 साल तक। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में कह दिया होता कि मशीन वाई हमने 5 साल पहले परचेस किया था,
तब टैक्सेबल था तो हमने आईटीसी ले लिया था, लेकिन आज है ना हम इसको कॉमन में यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम कॉमन में यूज़ करना है करें, लेकिन क्या उसका कॉमन क्रेडिट यहाँ पे रिकॉर्ड में आएगा या नहीं आएगा? द आंसर इज कॉमन में उसका अमाउंट नहीं आएगा, क्योंकि 5 साल की तो लाइफ थी और 5 साल तुम यूज कर चुके हो ना अच्छे काम के लिए। अब उसके बाद तुम कॉमन के लिए हाँ करो, कहीं भी करो, रिवर्स क्यों करना है? समझा क्या? अभी इधर यहाँ 4 लिखा है, मैंने क्या बोला 1 साल तक रिवर्स करेंगे प्रोपोर्शनेटली, क्योंकि 5 साल की लाइफ होती है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 साल लिखा होता तो हम 3 साल तक रिवर्स करते प्रोपोर्शनेटली, ई वाई एफ में घुसाते हर बार उसको। लेकिन अगर मशीन 10 साल पहले यूज़ किया है तो हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया 10 साल ना, तो 5 साल तो एक्सीड कर गया। अब कॉमन करूँ नहीं करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं कुछ रिवर्स नहीं कर सकता, बिकॉज डिपार्टमेंट ने खुद से क्या कहा था, हम तो 5 साल की लाइफ मानते हैं। तो अगर मशीन 5 साल से ज़्यादा चल गया तो डिपार्टमेंट कैन नॉट कमेंट से कि नहीं नहीं इसको रिवर्स कर, नहीं करेंगे ना, 5 साल हो चुके हैं। ऐसा कोई भी पॉइंट पे कोई क्वेश्चन आईसीआई का आज तक आया नहीं है, अब आ भी सकता है, बिकॉज हमेशा क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो बच्चे के माइंड में क्या फिक्स हो गया है कि कॉमन क्रेडिट में डालना है, डिवाइड बाय 60 करना है, हर बार यही चलता है। लेकिन आईसीआई फिलहाल एक्सेप्शनली कुछ भी पूछता है, तो मुझे लगा कि मुझे पॉइंट बहुत डेप्थ में समझाना यस चाहिए, तो मैंने समझा दिया कि याद रहे 5 साल, इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में लिखा है कि डिपार्टमेंट क्या मानता है, 5 साल का लाइफ है किसी भी मशीन का, किसी भी कैपिटल गुड्स का। 5 साल बीत गए ना तो मत रोना, मत रुलाना एसएससी को कि तेरा आईटीसी रिवर्स करेंगे, तेरा कॉमन क्रेडिट बनाएंगे, बोलेगा पागल हो गया क्या? लेकिन अगर 1 साल ही बीते हैं, 4 साल बाकी है, तो 4 साल के रिवर्स करेंगे। समझ में आया? सो दिस वॉज समथिंग एडिशनल विच आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन यू, तो मैंने कर दिया एक्सप्लेन। अब हम चलते हैं दोबारा हमारे कंसेप्ट की तरफ। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, बाय 60 करते हैं, फिर जो आता है उसको ई बाय एफ करके उस अमाउंट को लेते हैं, और तो लास्ट में क्या करते हैं उसको ऐड करते हैं आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में, जो हम समझ चुके हैं। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने सीखे थे ना लास्ट पार्ट में, सब चीज़ें सेम है। लास्ट लेक्चर नहीं देखा है दोबारा कहना देखना, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर सिखाई हैं। बस ये याद रहे ये पॉइंट नया है कि 5 साल की लाइफ होती है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, बाकी सब चीज़ें आप लोगों को सेम मिलेगी। एग्जेम्प्ट का मतलब रिवर्स चार्ज सप्लाईज भी होता है, ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज़ भी होता है। एग्जेम्प्ट सप्लाईज में ये चीज़ें शेड्यूल 3 की चीज़ें नहीं आती हैं, मगर एक्सेप्ट सेल ऑफ लैंड वो सब आती हैं। ये अपन सब डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ मैंने ऊपर लिखवाया था कि कॉमन है दोनों के लिए। देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ दोबारा, ये सब पढ़ाया था ऊपर और लिखाया था कॉमन फॉर बोथ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स, सबके लिए कॉमन है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद है ना हम लोग एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टेस्ट किया ही किया जाता है हमेशा एग्जामिनेशंस में, अधिकतर केसेस में, विच इज ब्लॉक क्रेडिट। सो आई वुड पर्सनली वॉन्ट कि मैं इस पार्ट को भी अलग करके पढ़ाऊँ, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम ढूंढने में या समझने में दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही, हम दोबारा मिलेंगे इस नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, बी सेफ, एंजॉय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।